तो देखो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम एक नया यूनिट, और ये यूनिट है हमारा क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो यूनिट है ये टू पार्ट्स में बटा हुआ है। इसका हाफ पार्ट जो है वो 11th में आता है, जिसमें आप जो स्टडी करते हैं बोरॉन ग्रुप एंड कार्बन ग्रुप, और बाकी जो पार्ट बचा वो है 12th में, जो कि नाइट्रोजन ग्रुप से स्टार्ट होगा और जीरो ग्रुप तक आएगा। तो यहाँ पर हम जो 12th वाला पार्ट है, ओके, मींस नाइट्रोजन ग्रुप से लेके और जो जीरो ग्रुप है यहाँ तक की स्टडी करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम सबसे फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप, या इसी को हम बोलते हैं फिफ्थ ए ग्रुप, निकोजेंस। इन्हीं को बोला जाता है मींस चॉकिंग एलिमेंट्स, मींस ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक प्रकार का सफोकेशन करते हैं, मतलब ये सफोकेटिंग एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। समझ गए ना, कि आप देखोगे कि अगर नाइट्रोजन का एटमॉस्फियर हो, फास्फोरस का एटमॉस्फियर हो, या इनके कंपाउंड्स का एटमॉस्फियर हो, तो वहां पर हम ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, वहां एक प्रकार का सफोकेशन होने लगता है। इसलिए इनको बोला गया है सफोकेटिंग एलिमेंट्स और चॉकिंग एलिमेंट्स, निकोजेंस। ओके, इसमें हम सबसे पहले एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनका, और ये है क्या बच्चों, एक इनर्ट गैस का कोई भी यहाँ सिंबल लेंगे हम, और इसके बाद NS2NP3। समझ गए ना, कि जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरह से एक इनर्ट गैस का यहाँ सिंबल रखेंगे, जो कि उस इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल, ठीक है, टोटल एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, और उसके बाद NS2NP3। अब यहाँ आ जाते हैं, जैसे पहला है इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7, तो 7 का एटॉमिक नंबर ये है, तो 7 में से 2 का एटॉमिक नंबर तो हीलियम में आ गया, मींस हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके बाद 2s2 2p3। दूसरा है फास्फोरस, है ना, 8 ऐड कर दो, 15 एटॉमिक नंबर, तो 10 तक नियॉन, 3s2 3p3। फिर हम आ जाते हैं आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में आप देखोगे इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो है 33। तो 33 में से अगर आप देखें तो यहाँ ये हो गए 18 आर्गन, और फिर 3d10 28, है ना, 4s2 30, और 3 ये हो गए 30। फिर 18 ऐड करते हैं हम इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब 18 ऐड कर देंगे 33, और ये है 18। तो देखो बच्चों, ये हो गए 36 क्रिप्टॉन तक, है ना, 46, और फिर यहाँ आ गया 46 के बाद हो गया 2 48 और 3, तो ये कहाँ तक पहुँच गए, 51। ओके, कि 51 में 36 तक तो किसका हो गया, क्रिप्टॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन, 4d10 5s2 5p3, और फिर हम इसमें 32 ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 81 बिस्मथ ना, 81 तो ये हो जाएगा आपके पास 51 और 32 83, ठीक है, तो यहाँ पर आके आपके पास हो गया 83। तो देखो 54 तक तो हो गया किसका, जिनोन का एटॉमिक नंबर, 54 तक जिनोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और फिर 16 ऐड कर दें तो 70, है ना, यहाँ पर 14 और 2s के 16, तो ये हो गया 70, और 10 80 और 3 83, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें। बात क्लियर है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नाइट्रोजन ग्रुप का। अगर इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो उसमें 32 ऐड करके एटॉमिक नंबर उसका हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 115 में आएगा, तो वो हम अलग से देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, तो ये है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाइट्रोजन का हीलियम 2s2 2p3, फॉस्फोरस का नियॉन 3s2 3p3, आर्सेनिक का आर्गन 3d10 4s2 4p3,
है ना, एंटीमनी, स्टांबियम, क्रिप्टॉन 36 तक, कोडी 10 5 एस 2 5 पी 3 बिस्मथ है ना, और 4 F14 मतलब जिनॉन 4 F14 5 D10 6 S2 6 P3। ये तो है इनके कॉन्फिग्रेशन। अब हम आते हैं कि अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो नाइट्रोजन जो है एक नेटिव एलिमेंट है, मतलब फ्री स्टेट में मिलता है, इसके अलावा कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है प्रोटीन्स में, ठीक है, इसके अलावा और मतलब लिविंग सिस्टम में अगर देखें तो प्रोटीन्स के फॉर्म में मिलता है ना, और सॉल्ट के फॉर्म में देखें तो चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर के फॉर्म में, यानी NO3 के फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा अगर हम एयर में देखें 78% बाय वॉल्यूम एंड 7 ठीक है एंड बाय वेट में 77% इन एयर, कि अगर हम एयर में देखें तो 78% जो है वो नाइट्रोजन है, और बाय वेट देखें तो 77% ओके, और बाय वॉल्यूम में है 78%। अर्थ क्रस्ट में ये मिलता है चिली सॉल्ट पीटर के फॉर्म में, इंडियन सॉल्ट पीटर के फॉर्म में। इसके अलावा लिविंग सिस्टम में जो प्रोटीन्स हैं उनमें भी नाइट्रोजन मिलता है। फॉस्फोरस की बात करें तो एग्जिस्ट एज एपेटाइट, जैसे ये है एपेटाइट का फॉर्मूला है Ca9PO4H6Ca(X). बात समझ गए ना, तो इस तरह से ये इस फॉर्म में मिलता है जहां X होंगे F क्लोरो OH मतलब फ्लोर एपेटाइट हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हमारे एनिमल दांतों में हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिलता है, ठीक है, अगर उसमें हम फ्लोरीन ऐड करा दें तो फ्लोर एपेटाइट होगा जो और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से फॉस्फोरस का एग्जिस्टेंस होता है। बाकी जो एलिमेंट्स इस ग्रुप के वो रेयर हैं, उतने अच्छे उनका परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंस अगर हम देखें पूरे एटमोसफियर में तो नाइट्रोजन। अब आते हैं इनका नेचर की बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है बच्चों ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, Sb और As मेटल्स मेटिलॉइड्स हैं, और जो बिस्मथ है वो एक टिपिकल मेटल है, समझ गए ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटिलॉइड्स हैं, और बिस्मथ जो है एक टिपिकल मेटल है। फिर इसके बाद अगर हम उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें जो इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है, सभी हमें रखने की जरूरत नहीं है, और ये है सबसे पहला है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई में ये लगातार नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक इनकी साइज बढ़ती जाती है, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ इनका एटॉमिक रेडियाई इस ऑर्डर में चेंज होता है, और ये हर एक ग्रुप में दिखता है कि जो साइज है वो ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ती है। लेकिन अगर आप लास्ट में जाएं बिस्मथ में और एसडी में तो एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई नहीं देगा, रीजन है वहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसके कारण जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बाहर बढ़ जाने से लगभग इनकी साइज एसडी और बीआई की साइज में कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की है, फिर लगातार ये डिक्रीज होती जा रही है। एस बी और बी आई की सेम है 1.9, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम जाएं ए एस एस बी बी आई तो इनकी साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इसीलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लगभग सेम सा बना रहता है, जिसके कारण हमें इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम सी दिख रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ तक लगातार डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। बात रही मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में एएस और एसबी क्योंकि ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बिस्मथ मेटेलिक फॉर्म में मिलता है क्रिस्टल के फॉर्म में, और ये जो है आप देखोगे मॉलिकुलर क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो गैस ही है तो बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म मॉलिकुलर फॉर्म में मिलता है, तो इसलिए ये मॉलिकुलर क्रिस्टल हैं, ये कोवेलेंट क्रिस्टल हैं, और जो बिस्मथ होता है उसमें होता है मेटेलिक क्रिस्टल। और हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स, उससे कम रखते हैं मेटेलिक, और उससे कम रखेंगे फिर क्या मॉलिकुलर क्रिस्टल। इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद इन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में।
तो देखो बच्चों, अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इस ग्रुप की, तो आपको टू टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखेंगी, प्लस माइनस थ्री और प्लस फाइव। प्लस माइनस थ्री जो है वो sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन के कारण मिलती है, मींस इनमें जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के लिए। अगर ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो प्लस में लिखी जाएगी, और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर बॉन्डिंग करेंगे तो पॉजिटिव लिखी जाएगी। जैसे अगर हम ये कहें कि ये लिखा है NH3, तो यहाँ इसकी माइनस थ्री, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन का एक देखें कि नाइट्रोजन NH3 बनाता है, तब तो यहाँ माइनस थ्री है, लेकिन अगर NF3 बनाएगा तो प्लस थ्री, और ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ये कभी भी माइनस में नहीं होगी फाइव, क्योंकि फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट केवल तभी आ जाती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब इस ग्रुप के एलिमेंट से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है। जैसे आप PF5 है तो यहाँ पर प्लस फाइव मिलेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि माइनस का मतलब है एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होना, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो स्टेट मिलेगी स्टेबल वो नाइट्रोजन के साथ मिलेगी, और सबसे कम स्टेबल या बिस्मिथ में जाएंगे तो लगभग नहीं होती, SB तक ही मिलेगी। तो अगर माइनस थ्री की स्टेबिलिटी की बात करें तो ध्यान रखें हमेशा जो स्टेबिलिटी है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब है अगर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, समझे बच्चों, तो इसकी स्टेबिलिटी आप हमेशा ध्यान रखें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी में भी चले जाओ आप, कोई भी ग्रुप में, तो अगर आपको माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बतानी है तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही लिखा है कि इट इज ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर, और यही रीजन है कि इनकी माइनस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। फिर हम आ जाते हैं प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो प्लस थ्री जो है स्टेबिलिटी हमेशा नीचे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो है NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, तो ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन आसानी से बॉन्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ ये बॉन्डिंग करते हैं, और ये बॉन्डिंग जो है नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो प्लस थ्री जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर साइज इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब ये जो इसका रीजन है स्टेबिलिटी का प्लस थ्री का, वो मेटालिक नेचर के कारण, साइज के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण और इलेक्ट्रो, मतलब अगर हम ये कहें कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई हो बच्चों, ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है इस ग्रुप में अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये साइज, ठीक है, मेटालिक नेचर ये हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, और इसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट, केवल जब पी इलेक्ट्रॉन यूज हो तभी इनर्ट पेयर इफेक्ट लेना है आपको, और यहाँ पर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी का रीजन। तो प्लस थ्री इसलिए स्टेबल हो रही है क्योंकि तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, एस का कोई यूज नहीं हो रहा है, तो ग्रुप में नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इस तरह से नीचे ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब है बिस्मथ में प्लस थ्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब आते हैं कि अगर प्लस फाइव की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन का ग्रुप डिक्रीज होगी, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के लिए मेटल को अपने NS इलेक्ट्रॉन को भी यूज करना होगा, और वो भी अनपेयर्ड स्टेट। तो ऊपर से नीचे चलें तो अगर हम ये देखें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण एलिमेंट के जो NS इलेक्ट्रॉन हैं वो इनर्ट होने लगते हैं, और केवल पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग करेंगे, और यही रीज़न है कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं तो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगी, और बिस्मथ जाके देखें तो लगभग अनस्टेबल होती है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, या हैलाइड्स की बात करें, तो इस तरह से ये मिलेगी। नाइट्रोजन में प्लस फाइव स्टेट नहीं मिलती, ठीक
ठीक है, मतलब सॉरी इसकी जो कोवेलेंसी है नाइट्रोजन में वो 5 तक नहीं मिलती क्योंकि वो डी ऑर्बिटल का यूज नहीं कर सकता। आता है अब यहाँ की प्लस वन से लेके और प्लस फोर तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चों, ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करती है। रिमीन्स ये ऑक्सीडाइज होकर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकती हैं और रिड्यूस होकर लोअर स्टेट में भी आ सकती है। जैसे HNO2 प्लस थ्री स्टेट है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है तो HNO3 प्लस फाइव में और NO+2 में चेंज हो जाता है और इस तरह से ये। लेकिन प्लस फाइव अगर आपसे कहें तो ओनली ऑक्सीडाइजर होगी, समझ गए ना। लेकिन प्लस वन से प्लस फोर तक की जो स्टेट्स हैं एलिमेंट में वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करती है। यही रीजन है कि इनमें डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, तो ये ध्यान रखना है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तक डिसप्रोपोर्शनेशन मिलता है, लेकिन प्लस फाइव ओनली ऑक्सीडाइज, मतलब आप यहाँ हैं तो ये ओनली क्या होगी बच्चों, ऑक्सीडाइजर, क्योंकि इसके आगे नहीं जाया जा सकता। प्लस को हम प्लस सिक्स तक नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास टोटल ही फाइव इलेक्ट्रॉन अगर यूज हो चुके हैं, इसलिए पीछे आ सकती है प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन लेकर प्लस फोर प्लस थ्री या माइनस में जा सकती है, लेकिन इसलिए ये केवल ऑक्सीडाइजर होगी, बाकी ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेंगी। माइनस वाली स्टेट जो होंगी उनकी अच्छी रिड्यूसर होगी, मतलब माइनस थ्री जो है ये ओनली क्या होगी बच्चों, ओनली रिड्यूसर, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप में इससे ज्यादा माइनस अपने आप को लेने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। और माइनस थ्री ओनली रिड्यूसर स्टेट होगी, प्लस फाइव ओनली ऑक्सीडाइजर होगी, बाकी स्टेट्स में डिसप्रोपोर्शनेशन मिलता है। जैसे HNO2 का डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो HNO3 प्लस H2 प्लस N। फिर हम आते हैं कोवेलेंसी के बारे में। देखो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एटम इन मॉलिक्यूल, हम उसे बोलते हैं कोवेलेंसी, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, इस कोऑर्डिनेशन या कोवेलेंट इनका सम, वही कोवेलेंसी है। नाइट्रोजन सो मैक्सिमम कोवेलेंसी फोर, ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन में पांच कोवेलेंसी करने के लिए पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ऐसा करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ns इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता और नाइट्रोजन कोवेलेंसी जो है फोर से ज़्यादा शो नहीं कर सकता। मीन्स तीन में तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के कुल मैक्सिमम कोवेलेंसी फोर शो कर, यही लिखा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बट अदर मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप में, जो अदर मेंबर्स हैं ठीक है, सो कोवेलेंसी 5 एंड 6 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बाकी जो मेंबर है वो 5 से 6 तक शो कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस PCl5 भी होता है और एक PCl6 माइनस भी होता है, ऐसे ASF5 भी है और ASF6 भी है, तो इस तरह से यहाँ पर। लेकिन नाइट्रोजन में अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो यहाँ आपको नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम ही कितनी दिखाई देगी, वो इसमें डी नहीं है इसलिए ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन और नहीं बढ़ा सकता। तो एक नॉन पेयर देखिए और तीन कोवेलेंट, जो अनपेयर की इलेक्ट्रॉन है वो और एक एस में जो नॉन पेयर है इनका यूज करके नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी होगी बच्चों, हो। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ जो कोवेलेंसी है ना वो तो है फोर, और अगर आपसे कहा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो है प्लस फाइव, इसलिए है क्योंकि जब एक नॉन पेयर पूरा देगा तो इसमें दो पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर हम यहाँ कहें कि कैसे फाइव हो गए, तो देखो यहाँ पर दो बॉन्ड बने तो प्लस टू, यहाँ पर ये लॉन पेयर दे रहा है तो प्लस टू, और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो प्लस टू। तो कुल मिला के यहाँ नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, प्लस फाइव। बात क्लियर है, तो इस तरह से नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम फोर हो। फिर हम आ जाते हैं इस ग्रुप की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो देखो बच्चों नाइट्रोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी में काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर में, ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, इसलिए दो नाइट्रोजन एटम अपने तीन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज करके और एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे में
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 941.4 किलो जूल पर मोल, जो बहुत ही हाई है। मगर ये एक नॉर्मल टेम्परेचर में कोई रिएक्शन नहीं करता, सबसे ज़्यादा इनर्ट होता है, और यही रीज़न है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में हाई परसेंटेज रखता है क्योंकि इनर्ट है। बट P4 हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ इन P4 हैविंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्योंकि फॉस्फोरस में पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं है, पी पाई बॉन्डिंग की, इसलिए ये केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो एक नाइट्रोजन एक फॉस्फोरस तीन फॉस्फोरस के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेता है और एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि टेट्राहाइड्रल मतलब यहाँ पर जो इसकी स्टेट है वो है sp3, और sp3 स्टेट में अगर आप इसमें देखोगे तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होना था, लेकिन P4 के बनने में ये जो एंगल है वो कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का। तो ये मॉलिक्यूल हाईली स्ट्रेंड स्टेट में होता है, और ऐसे में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, और रीजन है कि फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, अपने ग्रुप में एयर में खुला रख दें तो तुरंत ऑक्सीडाइज होने लगेगा। तो ये है इसका रीजन, तो नाइट्रोजन की इनर्टनेस का रीजन है ट्रिपल बॉन्ड की हाई बॉन्ड एनर्जी। और आपसे पूछा जाए फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव क्यों है, तो उसमें एंगुलर स्ट्रेन है जो 60 डिग्री का है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 109.5। एंगल स्ट्रेन की बात करें कि जो इसका एंगल है, डेविएशन एंगल जो है, ठीक है, तो वो कितने का होगा, तो ये आएगा 24 डिग्री 44 मिनट्स का, मतलब इतना स्ट्रेन आता है। ये जो स्ट्रेन दिख रहा है ये 24 डिग्री 44 मिनट का होगा। तो इस तरह से एंगल स्ट्रेन मिलता है जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव है। फॉस्फोरस में कुल 4 फॉस्फोरस एटम है, हर एक फॉस्फोरस एटम sp3 स्टेट में है, कुल मिला के हर एक फॉस्फोरस में 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, समझ गए ना, तो 3 3 3 3 3। और इसमें जो बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं वो कितने के होंगे, 60 डिग्री के। तो ये कुल मिला के हर फॉस्फोरस में 3 बॉन्ड है, तो यहाँ टोटल बॉन्ड जो होंगे वो 12 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक में 3 तो 4 में होगा 12, और 4 लोन पेयर। टोटल बॉन्ड्स की बात करें तो देखो, एक बॉन्ड 2 3 4 5 6 6, इसमें क्या है बच्चों, अगर आपसे पूछे कि बॉन्ड्स कितने हैं तो बॉन्ड्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर की देखें तो नाइट्रोजन सबसे कम रिएक्टिव है, फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इस ग्रुप में। एक तो एटॉमिक साइज छोटी होना, स्ट्रैंड होना, बाकी इनकी एटॉमिक साइज काफ़ी बड़ी है। बिस्मथ मेटालिक क्रिस्टल में मिलता है, ये कोवेलेंट क्रिस्टल में मिलते हैं, फॉस्फोरस में स्ट्रैंड के कारण। तो एक्चुअल रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ऐसा दिखता है कि फॉस्फोरस अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नेचर शो करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे आ जाते हैं, इसके बाद आता है नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब हाइड्राइड्स के बारे में। तो इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो हाइड्राइड बनता है वो है EH3 टाइप का, मतलब अमोनिया, PH3, ASH3, SBH3, BIH3, ओके। तो इस तरह के इनके जो हाइड्राइड्स हैं, इस ग्रुप के जो हाइड्राइड्स का फॉर्मूला है वो है EH3 टाइप का, और ये सब हाइड्राइड्स हैं। इनमें अमोनिया की प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल में हमें स्टडी करनी है इस तरह से। तो ये जो हाइड्राइड्स है, केवल नाइट्रोजन का हाइड्राइड डायरेक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन की एक्शन से बनाया जा सकता है, बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये जो बनाए जाते हैं ये एक इनडायरेक्ट मेथड से बनाए जाते हैं, या तो इनके सॉल्ट से या डायरेक्ट एलिमेंट पर किसी दूसरे केमिकल की रिएक्शन से। NH3 लिक्विड स्टेट में भी होता है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन में जो NH बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और यही रीज़न है कि अमोनिया लिक्विड स्टेट में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा लैब में। बाकी जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, तो अदर हाइड्राइड्स की बात करें तो ये सब क्या है, गैसेस। नेक्स्ट है कि ऑल हाइड्राइड आर लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बट बेसिसिटी डिक्रीज इन ग्रुप ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ क्लाउड।
कि इसमें सब के सब जो हैं इस ग्रुप के मेंबर्स भाई डैड्स सब के सब लुइस बेस होते हैं क्योंकि इनमें एक लोन पेयर होता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में चलेंगे तो इनकी जो बेसिसिटी है लुइस बेसिसिटी वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जितना छोटा एटम होगा उनका क्लाउड उतना कॉम्पैक्ट होगा और उतना अच्छा लोन पेयर डोनर बनेगा वो एटम। लेकिन अगर हम नीचे चलेंगे तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो क्लाउड जो है फैलेगा, डिस्पर्सन होगा उसका, और ऐसे में जो सेंट्रल एटम है अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं होगा। तो यही रीजन है कि ये जो हाइड्राइड हैं वो लुइस बेस हैं और इनकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है, मीन्स अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अपने ग्रुप में होगा। तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है इस ऑर्डर में चलें, बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होगी क्योंकि बॉन्ड बड़ा होगा NH PH में, PH बड़ा बॉन्ड होगा, लेंथ ज़्यादा होगी और ऐसे में उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये भी डिक्रीज होते हैं, अमोनिया में एस कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल जो है 107.5 होता है, लेकिन पीएच 3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाने के कारण इसमें एस कैरेक्टर कम और पी कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्योर पी कैरेक्टर आने लगता है और यही रीज़न है कि इन एलिमेंट्स में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 के आसपास का होता है, मैक्सिमम अगर डिक्रीज होगा तो वो 90 डिग्री का। तो इनमें एकदम से डिक्रीज होता है 90, 91, 90 इस तरह से, मतलब पीएच 3 में लगभग 92 डिग्री का, बाकी सब में 90 के आसपास का होता है। बात करें रिड्यूसिंग नेचर की तो रिड्यूसिंग नेचर लगातार ग्रुप में बढ़ेगा क्योंकि जितना इजी बॉन्ड ब्रेक होगा उतने जल्दी हाइड्रोजन निकल के बाहर आएगा और वो किसी को रिड्यूस कर सकता है। तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा अमोनिया से लेके BiH3। ओके, तो ये इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि सभी हाइड्राइड्स में दिखती हैं। बात आते हैं बॉन्ड एंगल बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो अमोनिया सबसे लो मॉलिकुलर मास वाला हाइड्राइड है, फिर भी अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये थर्ड नंबर में दिख रहा है, PH3 और ASH3 से ज़्यादा है और इस तरह से SBH3 और BiH3 से कम है। ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण इनके मॉलिक्यूल काफ़ी एसोसिएटेड होते हैं और मॉलिकुलर मास कम है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पर जो है HB डोमिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मोलर मास डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम PH3 में देखें तो ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ही मास डोमिनेंट है, और यही रीजन है कि PH3 और ASH3 के ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है और किसी प्रकार की नहीं होती मतलब, और ना ही मोलर मास डोमिनेंट है, ऐसे में इनके बॉइलिंग पॉइंट कम आते हैं अमोनिया से, और बाकी SBH3 और BiH3 काफ़ी हैवी मॉलिक्यूल हो जाते हैं भले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ मोलर मास डोमिनेंट हो जाने के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो अमोनिया से भी ज़्यादा। तो ध्यान रखें बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया बिल्कुल बीच में आता है, ओके, दोनों तरफ दो दो उसके दो के बॉइलिंग पॉइंट कम है और दो के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है बच्चों, ये तो है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, तो ये इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो अमोनिया में अगर हम आ जाते हैं कि इनके हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट में जो है 195, 139, 150, 185, 277, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट में अगर देखें तो वो किस ऑर्डर में दिखता है, ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया सबसे आगे दिख रहा है, ये है, तो मेल्टिंग पॉइंट में 195 और SBH3 का जो है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 195 केल्विन, और अगर हम SBH3 का देखें तो 185 केल्विन, ASH3 का देखें तो 158.7 और PH3 का है 139.5 केल्विन। तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है और ये बिल्कुल करेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट में जो अमोनिया है वो बीच में आ रहा है,
और मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया जो है पहले नंबर में है, बाकी हाइड्राइड्स इस ऑर्डर में, याद रखना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है और यहाँ पर देखें तो इनके मॉलिकुलर मास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है और इसको आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट में आते रहते हैं इस तरह से। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा ध्यान रखें अमोनिया को बीच में रखना है, दो एक तरफ दो तरफ, कम लोअर मास ठीक है, और ये है तो अमोनिया से पीछे केवल दो है और अमोनिया से आगे केवल दो, आगे एस बी और बी आई के, पीछे पी और ए एस बी, जबकि बॉइलिंग पॉइंट की ठीक है और मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया फिर नीचे से स्टार्ट करना है, एस बी एस थ्री, ए एस एस थ्री, पी एस थ्री। अब हम आ जाते हैं इसके बाद ऑक्साइड्स के बारे में। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं टू टाइप्स के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 टाइप का और E2O5 टाइप, समझ गए ना। मतलब इस ग्रुप में जो मेन मोर जो सबसे स्टेबल और मेन ऑक्साइड्स हैं जो सभी मेंबर्स में दिखेंगे वो है E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड। अगर आपको इन एसिडिटी बतानी हो, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स, कोवेलेंट नेचर ऑफ ऑक्साइड, एक पॉइंट और यहाँ पर कि कोवेलेंट नेचर ठीक है ऑफ ऑक्साइड, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है कि E2O3 से ज़्यादा कोवेलेंट और एसिडिक होंगे E2O5, क्योंकि यहाँ पर इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है और इनमें कितना है बच्चों 5। तो पहली बात है कि ये दो टू टाइप्स के मेन ऑक्साइड्स बनाते हैं E2O3 और E2O5। इनकी एसिडिटी की बात करें, इनका कोवेलेंट नेचर तो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E2O3 से ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा कोवेलेंट E2O5। अगर हम E2O3 में देखें तो सभी बनाते हैं, N2O3 भी होता है ना, P2O3 भी होता है, AS2O3 भी है, Fe2O3 है, Bi2O3। अगर हम E2O5 की बात करें तो N2O5 भी है, P2O5 भी है, AS2O5 भी है, Sb2O5 है और Bi2O5। अब एसिडिटी, तो एसिडिक कैरेक्टर अगर आप नाइट्रोजन से बिस्मत तक जाएंगे, चाहे वो E2O3 टाइप का हो चाहे E2O5 का हो, इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स में। और ऊपर से नीचे चले, मतलब E2O3 से E2O5 की तरफ चलें तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। N2O3, P2O3 एसिडिक होते हैं, AS2O3, Sb2O3 एम्फोटेरिक हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटालिक एलिमेंट हैं, मेटलॉइड्स के फॉर्म में होते हैं और इनमें एम्फोटेरिक नेचर है, जबकि B2O3 जो है Bi2O3 ये होगा, मतलब Bi2O3 और ये है बेसिक ऑक्साइड ठीक है। NO और N2O नाइट्रोजन में ही मिलते हैं, ये दो ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, बाकी जितने भी E2O5 ऑक्साइड्स हैं सभी के सब एसिडिक हैं और एसिडिक कैरेक्टर मैंने बता ही दिया, नाइट्रोजन से बिस्मत तक लगातार बढ़ेगा। समझ गए ना, नाइट्रोजन का ट्राई ऑक्साइड, फॉस्फोरस का ट्राई ऑक्साइड एसिडिक है, AS2O3 और Sb2O3 फॉटेरिक है, Bi2O3 बेसिक है, बाकी ये नाइट्रोजन के ये दो ऑक्साइड NO और N2O न्यूट्रल हैं ठीक है। और E2O3 ये जितने भी E2O5 टाइप के हैं वो सब एसिडिक होते हैं। E2O3 को हम एनहाइड्राइड ऑफ अस एसिड बोलते हैं ठीक है, E2O5। और अगर हम यहाँ E2O5 की बात करें तो जो E2O5 होते हैं उनको वो ये हैं एनहाइड्राइड ऑफ इक एसिड। देखो बच्चों, एनहाइड्राइड मीन्स अगर किसी ऑक्सो एसिड से वाटर रिमूव कर दें तो जो ऑक्साइड बनता है उसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, या किसी एनहाइड्राइड को पानी में रखें और जो भी एसिड बनता है उस एसिड का वो ऑक्साइड एनहाइड्राइड कहलाता है। E2O3 को अगर हम वाटर में रखेंगे तो नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इस तरह के एसिड्स बनेंगे। इसलिए E2O3 टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं ये एनहाइड्राइड हैं अस एसिड के, और E2O5 टाइप के जो ऑक्साइड हैं ये एनहाइड्राइड हैं इक एसिड के, जबकि N2O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, मींस इससे अस और इक दोनों एसिड बनते हैं। जैसे N2O3 को वाटर में डिजोल्व करें तो बनता है नाइट्रस एसिड ठीक है। तो हम कहेंगे
कि N2O3 नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। N2O5 को वाटर में डिजोल्व करोगे नाइट्रिक एसिड बनता है। ऐसे में हम N2O5 को नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड बोलेंगे और NO2 को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों बन रहे हैं। ऐसे में NO2 एक मिक्स्ड ऑक्साइड की तरह वर्क करता है। तो बात क्लियर है। तो कुल मिला के ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको ऑक्सी एसिड्स, नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, तो NO और N2O, बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं नाइट्रोजन के, चाहे वो ट्राई हो या पेंटा, सबके सब एसिडिक। ओके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की डिटेल अलग से भी है। फिर हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन्स, मींस नाइट्रोजन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो हैलोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कहलाते हैं क्या बच्चों, हैलाइड्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, हैलाइड्स। तो नाइट्रोजन ग्रुप के मेंबर्स टू टाइप्स के हैलाइड्स बनाते हैं, एक तो है EX3 टाइप के और एक है EX5। EX3 में नाइट्रोजन के NX3 मतलब X यहाँ केवल क्लोराइड यही स्टेबल है, बाकी जो नाइट्रोजन के हैलाइड्स हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, ओनली NF3 ही स्टेबल है। हालांकि ऐसा नहीं कि NCl3 बनता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेबल ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन में सबसे स्टेबल है NF3, बाकी अनस्टेबल है। बाकी PX3 जो है, ठीक है, से लेके बिस्मत तक सभी बनाते हैं और ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब में मिलते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब कुछ है, यहाँ पर एक्स क्लोराइड ले लें, ब्रोमाइड ले लें या आयोडाइड, तो ये काफ़ी अनस्टेबल मतलब नाइट्रोजन के साथ, समझ गए ना, कि बाकी मेंबर्स के साथ हैलोजन चूँकि उनके साइज काफ़ी बड़े हैं सेंट्रल एटम के, इसलिए हैलोजन एटम में जो है उनमें कम रिपल्सन होता है और ऐसे में वो थोड़े से स्टेबल होते हैं। अब आते हैं EX5, तो PX5 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सबके साथ स्टेबल है, फॉस्फोरस का हैलाइड पेंटा, लेकिन बाकी मेंबर्स के जो हैलाइड्स हैं, ठीक है, वो या तो क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ उतनी स्टेबल नहीं है, और बाकी मेंबर्स केवल फ्लोराइड के साथ, तो आर्सेनिक तीनों के साथ बनाता है, बाकी मेंबर्स केवल फ्लोराइड के साथ ही स्टेबल है, क्योंकि साइज बढ़ जाने से बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है और इसलिए वो अनस्टेबल है। नाइट्रोजन इस तरह का NX5 टाइप का हैलाइड नहीं बनाता, मतलब NX5 नॉट, ठीक है, एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए NX5 एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी मेंबर्स में नहीं। स्टेबिलिटी की बात करें तो ज़्यादा स्टेबल है EX3 टाइप के देन EX5, थर्मल स्टेबिलिटी का है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, एक तो वो रीज़न है। दूसरा होता है कि EX5 कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा देन EX3 से, और यही रीज़न है कि कोवेलेंट नेचर आने से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोवेलेंट नेचर, और यही रीज़न है कि थर्मली जो EX3 है वो दो रीजन से स्टेबल है, एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ना होना और दूसरा है मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कि लॉन पेयर यूज नहीं होते हैं तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरा है कि कम कोवेलेंट नेचर। नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स हैं एक्ट एज अ लीस बेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल बट अदर एक्ट एज अ लीस एसिड। देखो नाइट्रोजन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं है और ना ही आप देखोगे कि, तो ऐसे में नाइट्रोजन में लॉन पेयर तो है, तो ये क्या है, जैसे ये है कि नाइट्रोजन के पास जब वाटर आता है, ठीक है, तो हम ये कहें कि ये है NX3N और ये है लॉन पेयर और ये आया वाटर, तो ये अपना लॉन पेयर नाइट्रोजन इसको देता है और इस तरह से ये इनके साथ निकल जाते हैं और ये बना लेता है NH3+3HOX। तो नाइट्रोजन में लॉन पेयर है और वो एक लीस एस बेस की तरह वर्क करता है, मीन्स अपना लॉन पेयर उठा के वाटर के H+ को दे देता है
और यही रीजन है कि नाइट्रोजन NH3 में चेंज हो जाता है अमोनिया में। NF3 केवल हाइड्रोलाइज नहीं होगा इस ग्रुप में, ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में एक तो बॉन्ड की काफ़ी टाइटनेस है, दूसरा होता है कि इनमें कोई ऑर्बिटल भी नहीं है फ्लोराइड के साथ कि वो बॉन्डिंग कर सके, तो फ्लोरीन इसलिए किसी भी तरह से वो OH के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, इसीलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा NF3। बाकी NCl3 हाइड्रोलाइज हो जाता है क्योंकि क्लोराइड आसानी से OH का लोन पेयर ले लेता है। देखो NF3 क्यों हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि हैलोजन को चाहिए है लोन पेयर, तब वो हाइड्रोलाइज होगा। तो हैलोजन में यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन की बात करें कि जहाँ F जो है डी ऑर्बिटल क्या है बच्चों, एब्सेंट है, ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे नॉट, ठीक है, एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर। और यही रीजन है कि NF3 मतलब जो NF3 है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। बाकी क्लोराइड क्यों हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड का जो क्लोरीन एटम है वो आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि NF3 नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये है इसका रीजन। जबकि NCl3 हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन के पास वीकेंट डी ऑर्बिटल है, वो OH जो है वाटर के OH का लोन पेयर आसानी से पकड़ लेता है और अमोनिया H को पकड़ लेता है लोन पेयर के कारण, और इस तरह से दोनों हैलोजन और नाइट्रोजन अलग अलग होकर अपने अपने कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। अब आता है कि PCl3 के साथ क्या होगा, तो देखो PCl3 में जो फॉस्फोरस है उसके पास वीकेंट डी ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास भी है, लेकिन फॉस्फोरस इजी गोइंग लोन पेयर ऑक्सीजन का ले लेता है, तो ऐसे में लोन पेयर के थ्रू आता है तो फॉस्फोरस से तो जुड़ जाता है OH, और जो H+ है वो क्लोरीन के साथ ऐड हो जाता है। और यही रीजन है कि PCl3 हाइड्रोलाइज्ड होके, ठीक है, और इस तरह से एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और खुद हाइड्रोक्साइड वाली कंपाउंड में या ऑक्सो एसिड में चेंज हो रहा है। ठीक इसी तरह से AsCl3 SbCl3 इनका केवल पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो पाता है, जैसे SbCl3 का केवल पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है, बाकी ठीक है, तो ये मेंबर्स उतने अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना डोनर दोनों ना होने के कारण ही ऐसा इंतजार होता है। तो ये है कुल मिला के, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि NF या NX3 हाइड्रोलिसिस में किस तरह का वर्क करते हैं, तो NX3 लुईस बेस की तरह और जबकि PX3 लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, वो लोन पर एक्सेप्टर बन जाता है। NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि ना तो नाइट्रोजन में कोई वेकेंट ऑर्बिटल है ना फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन इस तरह से कोई लोन पेयर एक्सेप्ट करके OH एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक बात क्लियर है, तो ये था ऑक्साइड्स के बारे में उनका ऑक्सीडेशन। तो ये था हमारा आज का मैटर जिसमें हमने नाइट्रोजन ग्रुप की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखी जो पूरे मेम्बर्स में मिलती हैं, हैलाइड्स, ऑक्साइड, हाइड्राइड्स और इनकी जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।